जय माता दी। कैसे हैं मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपका दोस्त मनीष आज आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बरीरी एस्ट्रो ज्योतिष में। मेरे प्यारे मित्रों, मेरी माता रानी से यही प्रार्थना है कि आप सभी का दिन मंगलमय एवं शुभ हो। 12 राशि के जातकों के लिए सभी प्रकार से दिन मंगलमय व्यतीत हो एवं उनकी सभी प्रकार की अभिलाषाएँ पूर्ण हो सकें, मेरी ऐसी कामना है माता रानी से। यदि आप सभी को मेरा चैनल अच्छा लगता हो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर पसंद आती हो तो मेरे प्यारे मित्रों, अपने चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ अपने मित्रों के बीच में शेयर करना ना भूलें। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको वीडियो बहुत जल्दी चाहिए तो नोटिफिकेशन आइकन को बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें। तो बात कर लेते हैं 16 सितंबर 2018 के लिए मेष राशि का दिन। आज बीमा के व्यवसाय के लिए अच्छा रहने वाला है, तो बीमा से व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आप बहुत दूर की नज़रिए को देखने वाले व्यक्तियों में से हैं। आपके परिवार और प्यार से संबंधित बहुत सारी सफलता प्राप्त होती भी दिखाई दे रही है। तो मेष राशि के जातकों के लिए भाग्य अंक आज 90% काम करेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो कार्य क्षेत्र में आज दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है, यानी आज किसी भी तरीके का यदि व्यक्ति कार्य करते हैं तो वे अपने कार्य क्षेत्र में आज उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। अपने वाणी पे यदि कंट्रोल रखें तो आज आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती भी दिखाई दे रही है। वृषभ राशि के जातकों के लिए भाग्य अंक 90% जा सकता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का लेन देन करना, आज दिन बहुत बढ़िया है। लेन देन से संबंधित सभी तरीके के कार्य आज के दिन आप निपटा सकते हैं। आज यदि आप लाल रंग का उपयोग करते हैं, जैसे लाल रुमाल, लाल शर्ट, लाल दुपट्टा इत्यादि किसी भी प्रकार का उपयोग करते हैं तो आज आपको आर्थिक स्थिति में बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। मेरे प्यारे मित्रों, आपका भाग्य अंक 90% रहेगा। कर्क राशि, आज आपके घर संग आनंद उठाने का समय है, यानी घर में आज आपका मनोरंजन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपको खेलने व खुलकर मौज मस्ती करने का समय भी है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपने बस ध्यान रखना है कि आज आपने शुभ बोलना है, 90% भाग्य अंक रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो शेयर बाजार में निवेश करने का ये अच्छा समय है दोस्तों। यदि आप हरे रंग का आज उपयोग करते हैं तो आज आपको निवेश में अधिक लाभ होने की संभावना दिखाई देती है। मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप किसी भी प्रकार के हरे रंग का उपयोग करेंगे तो आज आपको संपत्ति एवं मान सम्मान सभी प्रकार की संपत्ति मिलती हुई दिखाई देगी। भाग अंक 90% रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए नजदीकी व्यक्ति से खटास पैदा होने की संभावना दिखाई देती है, इसलिए हो सके तो आज काले रंग का उपयोग ना करें। यदि काले रंग की कोई शर्ट पैंट या कोई भी सूट इत्यादि आप पहनते हैं तो आज ना पहने। आज आपका दिन थोड़ा सा नुकसानदायक दिखाई देता है। बॉस से आज अच्छे संबंध नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग अंक 50% रहेगा। तुला राशि के लोगों के लिए आज का क्षेत्र नए मौके मिलने का है। आज किसी भी अच्छे समय को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने का समय है। खर्च पर नियंत्रण रखें और करते समय ये बात को ध्यान रखें कि वाणी आपकी नियंत्रित हो। तुला राशि का भाग्य अंक आज यहाँ पर 90% रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आर्थिक लाभ मिलने की आज खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। आज का दिन आपका शुभ रहने वाला है और धन प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। आज के दिन विदेशी यात्रा से आपको लाभ प्राप्त होगा। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आज किसी भी मौके को छोड़े नहीं। आज यदि आप सफ़ेद रंग के कपड़ों का उपयोग करते हैं तो ज़्यादा फायदा पहुँचेगा। भाग्य अंक 90% रहने की संभावना। नेक्स्ट है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए आज झगड़ा होने की प्रबल संभावना है, इसलिए लाल रंग के वस्त्रों से आज आप बचें या लाल रंग की किसी भी वस्तु से आप बचें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आज पारिवारिक झगड़े हो सकते हैं। आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना घटने की संभावना है। भाग अंक आपका यहाँ पर 60% रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो आज नए रिश्ते बनाते हुए दिखाई देंगे आप और डेटिंग वगैरह कर सकते हैं। दूसरों के प्रति आकर्षण आप में पैदा होगा और खुद भी आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। अपनी क्षमताओं के कारण आप व्यवसाय सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। पारिवारिक संबंध मधुर होंगे। आज आपका भाग्य अंक 90% काम करता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो पुरानी परेशानियों से निजात मिलने वाली है। यदि आपको कोई कानूनी मुद्दा फंसा हुआ है,
आपको कानूनी तौर पर कोई परेशानी हो रही है तो आज आपकी सफल होने की संभावना दिखाई देती है। यदि आप आज माता रानी को एक गुलाब का फूल चढ़ा कर जाते हैं तो आपको पूर्णतः सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। भाग्य अंक 70% काम करेगा। अब बात करते हैं मीन राशि की, तो आज कहीं से आपको अचानक पैसा मिलने की उम्मीद दिखाई देगी। ऐसा लगेगा कि आज आपको कहीं ना कहीं से पैसा मिलता हुआ दिखाई देगा। अपने दोस्तों एवं परिजनों की मदद से आज आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाने वाला है। यदि आप भगवान भोलेनाथ को यदि आप कोई फल अर्पण करते हैं तो आज आपका दिन शुभ और मंगलमय रहेगा। मेरे प्यारे मित्रों, आपका भाग्य अंक भी आज अच्छा रहेगा, करीब करीब 90%। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सफल बनाए ऐसी कामना करता हूं। मैं माता रानी से हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के लिए। जय माता दी।